चलिए अब जो है थोड़ा सा जो है रिवर्स स्कैम टेस्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। रिवर्स स्कैम टेस्ट को स्टडी करने से पहले आप लोगों को एक बेसिक आइडिया स्कैम टेस्ट के बारे में होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे साइड में स्कैम टेस्ट का डायग्राम बना करके रखा है कि स्कैम टेस्ट में होता क्या है। देखिए, जो आपका रिवर्स स्कैम टेस्ट है ये आपका यूज होता है क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल होगा क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस का। और स्कैम टेस्ट में क्या होता है, दो दो चीज है आपका, एक तो स्टेफेलोकोकस ऑरियस की स्ट्रीक है, दूसरा बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफेलोकोकस ऑरियस के बीच में है। और यहाँ पे जो हम लोग रिवर्स स्कैम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस की बात करेंगे। और इन दोनों की जो है अपियरेंस जो होती है आपका, चाहे स्कैम टेस्ट का हो या रिवर्स स्कैम टेस्ट का हो, दोनों की अपियरेंस को बोलते हैं बटरफ्लाई अपियरेंस। क्या अपियरेंस है इसकी? बटरफ्लाई अपियरेंस। अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो इसकी अपियरेंस ऐसी लगती है जैसे क्या हो, बटरफ्लाई हो। रिवर्स स्कैम टेस्ट कैसा अपियर होता है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई अपियरेंस। चलिए, रिवर्स स्कैम टेस्ट को पढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, दो स्पीसीज लेते हैं। एक स्पीसीज आपका स्टेफेलोकोकस ऑरियस का है, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकाई का है। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई का है। जब हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई को इनोकुलेट करते हैं बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ में, देखिए ये स्ट्रिक किसका है, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का है, और ये स्ट्रिक क्या है, स्टेफेलोकोकस ऑरियस का स्ट्रिक है। इन दोनों को परपेंडिकुलरली क्या किया गया है, इनोकुलेट किया गया है, तो एक जोन ऑफ हिमोलाइसिस बनती है। मतलब तो यहाँ पे एक जोन बनती है जो कैसी दिखती है, बटरफ्लाई की तरह दिखती है। अगर आप लोग बटरफ्लाई को देखे होंगे, बटरफ्लाई में अगर डायग्राम बनाना चाहूं बटरफ्लाई का, तो कैसा दिखता है, देखिए बटरफ्लाई कुछ ऐसा दिखता होगा। है ना, देखो देखने जरा आप लोग, ये जो है बटरफ्लाई का अपीयरेंस होता है, ये बटरफ्लाई ऐसी दिखती है। तो अगर आप लोग इसको देखिएगा तो ये सिमिलर है बटरफ्लाई के तरह। मतलब स्कैम टेस्ट में क्या हुआ, जब हम लोग स्टेफेलोकोकस ऑरियस की स्ट्रिक को बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ में इनोकुलेट करेंगे तो वो कैसी दिखती है, बटरफ्लाई के तरह दिखती है, दिखती है ना। अब देखिए इसी बटरफ्लाई को, इसी बटरफ्लाई के अपीयरेंस को हम लोग अगर वो करते हैं, थोड़ा रिवर्स करते हैं, मतलब या इसको अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो ये बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। देखिए ये स्ट्रिक जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे कौन सा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई का है, मतलब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, राइट। ये ऊपर गई तो यहाँ पे ऊपर आ गया, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। एक तो ये हो गई ग्रुप बी बी स्ट्रेप्टोकोकाई, और दूसरा यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ किसके लिए रहे, क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस के लिए पढ़ रहे, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस, क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस। जब अगर इसको बात करें रिवर्स स्कैम टेस्ट की, तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्कैम टेस्ट, बट क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस इज इनोकुलेटेड, क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस इज इनोकुलेटेड इन प्लेस ऑफ स्टेफेलोकोकस ऑरियस स्ट्रिक। देखिए इसको रिवर्स करो, रिवर्स करो तो स्टेफेलोकोकस ऑरियस की स्ट्रिक यहां आनी चाहिए, बट इसके जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस को ले रहे हैं। तो लिखना भी हम लोगों को कुछ इसी तरह से है कि इट इज रिवर्स स्कैम टेस्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द स्कैम टेस्ट, बट क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस स्पीसीज इज इनोकुलेटेड इन प्लेस ऑफ स्टेफेलोकोकस ऑरियस स्ट्रिक। सो इफ वी इनोकुलेट द क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस परपेंडिकुलर टू द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जो आपका स्ट्रेप्टोकोकाई यहाँ पे ऐसे आ रहा था, इसके साथ में इनोकुलेट करेंगे तो हमारा अपियरेंस कैसा होगा, वो अपियरेंस होगा बटरफ्लाई। ये क्या है, बटरफ्लाई, तो इसका भी अपियरेंस है बटरफ्लाई। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, बस इतना सा था इसमें कि हम लोग दो स्पेसीज को इनोकुलेट करते हैं, एक है क्लस्टरिडियम परफ्रेंजेस की, दूसरा है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई को। अगर इसको इनोकुलेट करते हैं तो ये हमें कैसी अपीयरेंस देगी, बटरफ्लाई की अपीयरेंस देगी। अगर इसी बटरफ्लाई को ऐसे घुमा दिया जाए तो ये भी बटरफ्लाई की तरह दिख रही है, ये भी बटरफ्लाई की तरह दिख रही है। तो स्कैम टेस्ट
एंड रिवर्स कैम टेस्ट. इट इज सिमिलर बट ओनली डिफरेंस इज क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंडिस स्पीसीज इज इनोकुलेटेड इन प्लेस ऑफ स्टेफेनोकोकस ऑजियस स्ट्रिक. ओके, दिस इज अबाउट द रिवर्स कैम टेस्ट. इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को डायग्राम बनाइएगा, आप लोगों को ये दोनों चीज दिखा देना है.